करके थे वो भी आपकी बात। माइक योजना को लेकर आपकी क्या प्रयास है? हमने किसान आज हमने जो है किसान को नाराज़ नहीं थे, जय जयकार करके थे। मेरे कहने के बाद मुझे मिले, उसके बाद में उन्होंने बड़े आराम से जय की, जय जयकार मेरे व्यक्तिगत भी जय जयकार की है, भारतीय जनता पार्टी की भी की है और नरेंद्र मोदी जी सर आपने दावा क्योंकि उनको जो अंदेशा था वो अंदेशा मैंने कागज दिखा करके क्लियर किया है कि हमने एफिडेविट ऑलरेडी फाइल कर दिया, जून महीने में ही कर दिया। उसके ऊपर कोर्ट को न्यायालय को निर्णय करना है, न्यायालय जो निर्णय करेगी उसके अनुरूप जो है हम तुरंत कार्रवाई करने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं और हम करेंगे। सर आपने दावा किया 2023 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी, आप कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं तो देखिए ये तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, सांसद का लड़ूंगा, संगठन में काम करूंगा, ये तय करने का अधिकार मुझे नहीं। मैं 1992-93 में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना, अमूमन 93 में मुझे पूछा करते थे क्योंकि उस समय ही मेरा टिकट तय हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे हर चुनाव में पूछते थे कि आप कहाँ से चुनाव लड़ोगे, तब भी मैंने कहा ये संगठन का दायित्व है कि मुझे क्या काम करना है। मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की डायरी पर नहीं चढ़ा, मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करता था। जिस दिन संगठन ने तय किया मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने चुनाव लड़ा। संगठन ये तय करेगा कि मुझे इसके बाद में ये काम करना है, और जरूरी नहीं केवल सरकार जो है राजनीतिक क्षेत्र में ही, अगर संगठन ये तय करे कि मुझे जाकर के वनवासियों के बीच में वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है या कहीं और जाकर के किसी और मंच पर काम करना है, मैं उतनी शिद्दत उतनी मेहनत उतनी खुशी उतनी ऊर्जा उतनी लगन के साथ में काम करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि जहां भी काम करूंगा वो काम भारत माता की जय जयकार करने के लिए होगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वनवासियों के बीच में हो, चाहे अन्य किसी संस्था में हो, सभी जगह हम एक ही लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं और वो काम जो है करने की प्रेरणा ऊर्जा हमें अपने विचार से। भूमरा प्रकरण में केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है। भूमरा प्रकरण में ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेरेशन कर दिया है और इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख दिए, 6 लाख रुपए सिलेंडर एक्सप्लोजन के इंश्योरेंस क्लेम से मिलने वाले, 2 लाख रुपए हमने IOC के लोगों से इकट्ठा करके दिए। इस तरह से कुल 17 लाख का जो पैकेज है उसमें से 9 लाख रुपए जो है वो भारत सरकार और भारत सरकार के एजेंसीज के माध्यम से आया। राजस्थान की सरकार ने 2 लाख रुपए दिए और चिरंजीवी का जो इंश्योरेंस है वो परिवार सहित मिलता है, एक एक परिवार में 5-5 लोगों का देहावसान हुआ, उस परिवार के पैकेज में केवल एक परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे और उसके अलावा मृतकों के मिलेंगे। राजस्थान सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।